हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के बज रहे हैं, अभी के बज रहे हैं 9:30, और 9:30 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया है। और आज हमको भी आज भी बहुत सारे काम है। आज मेरे को पूरा राइटिंग वर्क कम्प्लीट करना है, और आज फिर से एक खेत में जाने वाले हैं। उस पर एक उम्बर नाम की चीज़ है, वो जैसे कि अंजीर जैसा रहता है वैसे ही रहती है। मैं आपको दिखाऊँगा, फुल दिखाऊँगा। आज का भी व्लॉग बहुत सही होने वाला है। और भाई आप क्या कर रहे हो आप, मतलब मेरा लाइक टारगेट मतलब तोड़ दे रहे हो, फोड़ दे रहे हो। सो आज का लाइक टारगेट है 15 लाइक्स। सो 15 लाइक अगर आपने कंप्लीट करवा दिए, सो भाई दिल से खुशी होएंगी, भाई दिल से शुक्रिया। और जो भी अभी वीडियोस आएंगी, 365 डेज चैलेंज लिया है मैंने, 365 डेज, 365 व्लॉग्स। चाहे मेरा मतलब मेरे को कुछ भी हो, पर मैं व्लॉग डालूँगा। कुछ भी हो, मेरे को खांसी सर्दी बुखार कुछ भी हो, तभी भी व्लॉग डालना है। सो ओके, अभी तो दिन शुरू हुआ है, और अभी हम करेंगे थोड़ा सा लैपटॉप में काम। करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अभी मेरा लैपटॉप पे का काम हो चुका है। बस इतना काम था कि जो मेरी एडिटेड वीडियोस है वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना। अभी 10:10 बजे मेरी क्लास है, और अभी थोड़ा सा राइटिंग वर्क कर लेते हैं, फिर क्लास करेंगे। उसमें क्या जा रहा है ना। तो अभी राइटिंग वर्क करता हूँ, और क्लास है 3 घंटे की, आपको तो पता ही है। बहुत मतलब जाने दो, मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे को बाल भी बहुत सारे आ गए हैं, देख सकते हो आप। और अभी चलो देखते हैं, क्लास करते हैं, और फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस अभी मेरी क्लास चल रही है, और क्लास के चलते वक्त थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। सो मम्मी ने यहाँ पर मुझे पापड़ के लिए आलू छीलने को बोले हैं, तो हमारे यहाँ पे मतलब वो पापड़ मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगा। और अभी मैं आलू छीलता हूँ, और पहले ही बता देता हूँ कि मैं ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक संस्कारी और जो भी रहता है वो वाला बच्चा हूँ, मेरे को काम करने को अच्छे लगते हैं। मैं ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो कि आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आलू छीलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी नाश्ता टाइम है, और अभी नाश्ते में बना है ब्रेड पकौड़ा। सो मैं दिखाता हूँ कि कैसे बना है। सो मम्मी उधर बना रही है किचन में, वो भी आपको दिखाता हूँ, और कैसा बना है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्क्वायर शेप ब्रेड पकौड़ा है, और यहाँ पर ये एक चटनी है, हरी चटनी, और ये टमाटो सॉस है। सो अभी समू भाई भी बैठ चुके हैं खाना खाने को। समू भाई, उसको नाम से समू भाई ही जानते हैं सब लोग। सो अभी मम्मी दिखाता हूँ कि कैसे बना रही है। सो गाइज ये देखिए, मम्मी ने यहाँ पर ये ऐसे बना लिया है, और ये इसको यहाँ पर तल रहे हैं, और यहाँ पे पूरा ब्रेड से और आलू की सब्जी से ढक ले रहे हैं, ठीक है। और इतने आलू मैंने अभी तक छील लिए हैं, बाकी के आलू नाश्ता होने के बाद छिलेंगे। और मम्मी मजा आ रही है बनाने में? हाँ। मम्मी को कुकिंग बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है, किचन में भी रहना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अभी के बज रहे हैं 1, और अभी मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, और अभी मैं थोड़ी देर फ्री फायर खेलूंगा, और फिर अपन देखते हैं अभी। और अभी जाना है, अभी ट्यूशन के बाद ही जाएंगे खेत में। सो वीडियो को देखते रहिए, मजा आने वाला है भाई। गाइस अभी मेरा खाना हो चुका है, और खाने में थी दाल फ्राई, और दाल फ्राई के मैंने खाया, और उसके साथ थी रोटी। और अभी हमारा खाना हो चुका है, और अभी के बज रहे हैं, सो अभी के बज रहे हैं 2। सो अभी 2 बज रहे हैं, और अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करूँगा, और फिर 4 बजे जाकर ट्यूशन जल्दी से वापस आऊँगा। और फिर हेलो गाइस बोलने तो दे नहीं, फिर उसके बाद आकर अपन लोग खेत में जाएंगे। एक बागड़ी सर नाम के है, वो सब उनके खेत में अपन जाएंगे। अरे जाना वे। सो गाइज उधर भी बहुत मजा आने वाली है, आपको मैं पूरा वो दिखाऊंगा। उम्बर कैसा रहता है, उम्बर बोलते हैं, वो एक अंजीर का ही टाइप रहता है। सो देखते हैं अभी। ओके फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग वाला खेत है, और इधर ये इतने आमराई है, और इस पे आम भी है, और उधर आपको टैंक भी दिखाऊंगा मैं, बहुत बड़ा टैंक है। और इधर देखो आम आम्बे मतलब आम देखो कच्ची कैरी, ठीक है, इतने सारे हैं। और ये है डॉक्टर बागड़ी का खेत, और देखते हैं अभी
और दिखाता हूँ मैं आपको और फन फैक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरभरा है, ये थोड़ा सा दूसरा खेत है। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी जय देखिए, ये कैरिया, ये ऐसी कैरिया है। और वो देखिए वहां पर क्या चल रहा है, वो देखिए कैरी निकालने के लिए। ओके, ये पूरा झाड़ है और ये देखिए ऐसी कैरिया है। ओके, इसके अभी खा के देखते हैं कि कैसा है टेस्ट है। इसका टेस्ट तो बहुत सही है, मतलब अच्छी भी लग रही है खाने को। और ये जो पेड़ देख रहे हो, ये पूरा जामुल का पेड़ है। जामुल यानी आपको तो पता ही होगा जामुल। और अभी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इधर इनके पास दो टैंक है। ये देखिए, ये इतना बड़ा टैंक है, इधर ज़्यादा जाने पास जाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये देखिए पूरा स्विमिंग पूल जैसा बनाया हुआ है। अभी रुको, ये देखिए यहाँ पर एक कुआ है, इधर मोटर है और इसमें भी पानी है। अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अभी के बज रहे हैं 8, और हमने बस 15 मिनट ही उधर एंजॉय किया है। और जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आए, क्योंकि उधर वो जो आपको मैं दिखा भी नहीं सका उम्बेर। और अभी मम्मी खाना बना रही है, और आज के खाने में कुछ स्पेशल, तो आप देखो अभी क्या बनाती है मम्मी। तो ये देखिए, तो गाइस इधर देख सकते हो आप हमारा अभी का खाना। और यहाँ पे है ये डोसा, ये है चटनी, सांभर एंड आलू की सब्जी। सो गाइस मैंने अभी टेस्ट कर लिया है, और ये क्या ही बोलूँ, घर का खाना तो घर का खाना होता है। और देखिए भाई, ये मस्त आज का मेनू है, आज का मेनू ये है। और जो आज सुबह आलू छीले थे मैंने, उसके पप्पड़ भी बन गए हैं, मैं आपको दिखाने ही भूल गया। सो अभी ये देखो, ये उसके पप्पड़ बन भी चुके हैं। और ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज अगर मज़ा आई होंगी तो आज के ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, एक दोस्त के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अभी के बजे रात के 10:30, और अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, और अभी एडिटिंग करके कल सुबह 8 बजे ये व्लॉग डाल दूँगा। सो गाइस, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।